computer teacher. Now in previous lecture we studied about different machines, like on page number 6 different machines, then page number 7 types of computer, and a computer is a smart machine. Then now we are going to start your exercise section A. Exercise section A, which is on page number 8. Okay, picture quiz. So this is basically choose the correct answer. It means a question is given and three options are there. You have to take the correct option. Okay, एक question दिया है जिसके three options है, three pictures है. इसमें से एक option correct, right answer है. तो वहाँ हम क्या करेंगे? Tick mark. Got it? So now let's start. मैं आपको एक के बाद एक question दिखाऊंगी. एक साथ सारे नहीं. पहले आप एक question देखेंगे, then next. Okay? तो आप मेरे साथ साथ right tick करते जाएंगे. आपको जो correct answer है उसमें red tick करना है. बाकी के दो options में कुछ नहीं करना. Got it? So see your question number 1. First question. Okay, what is the first question? Let's see. Which of the following is a machine? Which of the following is a machine? Means three options diye hai. Dekho, 1, 2, 3 options. Ye teen options mein se machine kaun sa hai? See the first one, a flower pot. Flower pot machine hai? No. Then second, cycle. Cycle machine है? Yes. And third point, वो ही तो machine नहीं है. तो correct answer क्या है? B, cycle. B, cycle. तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे? B, cycle वाला जो option है, उसके बाजू में जो box दिया है, वहां पे आप write करेंगे. Okay, like this. Like this. B. Cycle is the correct option. Now next question is, second question here. Which of the following machine works on battery? Means, इसमें से कौन सा machine battery से चलता है? First, fridge, refrigerator. क्या वो battery से चलता है? No. Electricity, power से चलता है. Right? Second, seesaw. जो गार्डन में होता है, जिस पे बैठ के आप खेलते हो, वो तो बैटरी से बिल्कुल नहीं चलता है. थर्ड, टैबलेट, राइट? सो टैबलेट बैटरी से चलता है, करेक्ट? सो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, मींस रेड कलर का जो बॉक्स दिया है, उसमें आप क्या करेंगे? राइट टिक. सो लेट्स डू इट. सी, गुड. सो राइट टिक. Tablet is the correct option. Now question number 3. Which of the following machine does not work on electricity? इसमें से कौन सा machine electricity से नहीं चलता है? Okay, power से नहीं चलता, electricity से नहीं चलता है. See your third question. Three pictures are there. First picture किसका है? AC. क्या है ये? AC, air condition. तो वो तो obviously electricity से ही चलता है. Second, computer, वो भी हमने सिखा ना, computer भी electricity से ही चलता है. Third, crane. Okay, crane होती है ना, जब बड़ी-बड़ी buildings बन रही होती है वहाँ crane होती है. Crane तो electricity से नहीं चलता है, fuel से चलता है. Okay, so crane is the correct answer. वो electricity से नहीं चलता है. तो अगेन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, रेड कलर का बॉक्स, इसमें क्या करेंगे आप? राइट टिक. लेट्स डू इट. सी, गुड वर्क. ओके, ग्रेट, करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज लास्ट. ये क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू सेव टाइम. मतलब इसमें से कौन सी चीज का यूज करने से हमारा टाइम बचता है? कैन सेव आवर टाइम. सो सी द फर्स्ट वन, टेडी बियर टॉय. टेडी बियर से खेलने से आपका टाइम बचता है? नो. सेकंड, लैपटॉप. अगर आप लैपटॉप पे वर्क करो तो आपका टाइम बच सकता है ना? मैंने बोला था ना कि
मशीन्स तो बहुत स्पीड में वर्क करते हैं, सो लैपटॉप जल्दी जल्दी काम करता है, तो लैपटॉप से काम करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। थर्ड, फुटबॉल एक बॉल है, बॉल से कभी टाइम बचता है? नो। सो करेक्ट आंसर इज बी, लैपटॉप। ओके, बी लैपटॉप। तो लैपटॉप के बाजू में ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसमें क्या करना है? राइट टिक। ओके, लेट्स डू इट। सो लैपटॉप इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू हैव टू डू दिस फोर चूज द करेक्ट आंसर्स इन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज ऑन योर पेज नंबर 9। ओके, पेज नंबर 9B, पेज नंबर 9B, दिस बॉक्स। ओके, क्या लिखा है इसमें? आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ द मशीन दैट वर्क्स ऑन फ्यूल। ऐसे मशीन के पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो फ्यूल से चलते हैं, मतलब पेट्रोल और डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। ओके, फ्यूल से चलते हैं, ऐसे मशीन के पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके नेम इस बॉक्स में से सर्च करने हैं और उस पे पेंसिल से राउंड करना है। ओके, पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मशीन फ्यूल से चलते हैं। लेट्स सी, बस, बस फ्यूल से चलती है? यस, चलती है। राइट, शिप, शिप चलती है फ्यूल से? यस, शिप भी फ्यूल से चलती है। फैन, फैन फ्यूल से चलता है? फैन नो, फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब फैन का स्पेलिंग हम इसमें से सर्च नहीं करेंगे। ओके, एंड देन ट्रक, ट्रक चलता है ना? यस, ट्रक फ्यूल से चलता है। सो थ्री स्पेलिंग्स हम इसमें से सर्च करेंगे, विच थ्री? बस, शिप एंड ट्रक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द स्पेलिंग ऑफ बस। दिख रहा है आपको कहीं पे बी? चलिए पहले बी फाइंड करें, यहाँ पे बी यू एस, तो हम उसको क्लिक करेंगे, बी यू एस, बस। गुड, बी यू एस, बस। देखिए इस पर बॉक्स बनाया, तो आप भी पेंसिल लेके देखिए, यहाँ बी यू एस, बी यू एस बस जो है इस पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हम शिप का स्पेलिंग फाइंड करेंगे। ओके, कहीं दिख रहा है आपको एस? एस का हम कहें हियर, एस एच आई पी, सिंह। ओके, तो हम शिप का स्पेलिंग फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स सर्कल इट, एस एच आई पी। ओके, एस एच आई पी, शिप, इस पे बॉक्स बनाएंगे। लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में लिखा है एस एच आई पी, तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे। ओके, नाउ थर्ड स्पेलिंग, फैन का तो हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्यूल से नहीं चलता है, तो कौन सा बचा? ट्रक। कहीं पे दिख रहा है आपको ट्रक का स्पेलिंग? यस, टी आर यू सी के, ट्रक। सो लेट्स डू इट, टी आर यू सी के, ट्रक, टी आर यू सी के, ट्रक। तो हम उससे बॉक्स बनाएंगे। देखो यहाँ पे सब ये वाली सेकेंड जो लाइन है इस पे है टी आर यू सी के, पेंसिल लेके इस पे बॉक्स बनाएंगे। ओके, आपको थ्री स्पेलिंग फाइंड करनी है, ट्रक, बस एंड शिप, और उस तीनों पे बॉक्स बनानी है। ओके, पेंसिल, क्लियर, डन।